दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बता रहे हैं उसकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो किसी मिरेकल से कम नहीं, मतलब फर्श से अर्श तक। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सूरज से भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने वाले टैलेंटेड लोग हैं, उनका बिग बॉस में नंबर नहीं लगा, लेकिन जिसको ठीक से बोलना भी नहीं आता। आज पहले मीटिंग उदय सिंह कारण टॉप किंग, जो सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ा है उसको बिग बॉस में कैसे एंट्री मिल गई? और ये हवा सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। सूरज का जन्म 1994 में महाराष्ट्र के बारामती जिले में मोरबी नाम का छोटा सा गांव है, वहां पर सूरज का जन्म हुआ। लेकिन उसके बचपन में ही उसके सर से पापा और अपनी माँ का साया नहीं रहा। उसके पापा का कैंसर से निधन हो गया और उसकी मम्मी का भी किसी बड़े बीमारी से मौत हो गई। तो इसी के बीच में सूरज चौहान की बड़ी बहन ने सूरज की देखभाल की। सूरज को कुल मिलाकर 5 बहनें हैं और सूरज ने कहा कि उसकी बड़ी बहन ने उसको बड़ा किया। छोटे से गांव में रहने वाला सूरज ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाया। सूरज गांव में रहता था, लोगों के घर और खेत में काम करने जाकर अपना गुजारा करता था। उसके पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था। अब सूरज ने बताया कि एक दिन उसके भांजे ने सूरज को टिकटॉक के वीडियो दिखाए और बताया इस पर वीडियो डालने से पैसे मिलते हैं। फिर क्या, सूरज ने आप देखा ना ताव और अपनी बहन का मोबाइल लिया और उसमें एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल दिया। सूरज का कंटेंट और उसकी भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन लोगों को इसके वीडियो को देखकर काफी एंटरटेनमेंट मिलने लगा और इसी की चलते सूरज का पहला वीडियो ही वायरल। फिर उसने खेतों में काम पर जाकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक मोबाइल ले लिया। फिर टिकटॉक पर आईडी बनाकर उसमें वीडियो अपलोड करता गया और देखते ही देखते सूरज के लाखों फॉलोअर टिकटॉक पर बन गए। भाषा की बात की जाए तो तोतली भाषा, कंटेंट का कोई अता पता नहीं, जैसा मन में आया SQRQ JQ और बीच में ही गोलीगत। गोलीगत में अक्सर मन छोटा तो गोलीगत लय भारी, जो मन में आया सूरज चौहान बोलता रहा और ऐसे ही इसी तरह वीडियो बनाता था और टिकटॉक पर अपलोड कर देता था। वो गांव की भाषा, उसके चेहरे की वो नादानी वीडियो में साफ दिखती थी और अपने इसी स्टाइल से सूरज चौहान ने लोगों का दिल जीत लिया। लोगों ने इसके रील को काफी पसंद किया और फिर क्या, सोशल मीडिया पर सूरज चौहान खूब वायरल होने लगा। इसी के साथ सूरज को शॉर्ट फिल्म की ऑफर भी आने लगी और साल 2023 में मुसंडी फिल्म में सूरज ने काम किया। फिर 2024 में राजा रानी में काम किया और कई सारे शॉर्ट फिल्म में भी सूरज ने काम किया। सूरज के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिलियंस फॉलोअर्स है। सूरज के इस जुनून और हौसले को देखते कुछ लोगों ने सूरज की ओर मदद करना चाहिए और बिग बॉस मराठी 5वें सीजन में सूरज की एंट्री हो गई। अब एंट्री होने के बाद बहुत लोगों के मन में डाउट आने लगा, क्योंकि सूरज को ना अच्छे से भाषा समझ में आती है, ना ही वह ज्यादा पढ़ा लिखा है। बिग बॉस में सभी बड़े बड़े थिएटर पर काम करने वाले एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत ही साधारण परिवार का लड़का अपने मेहनत से, अपने दम पर कठिन परिस्थितियों को पार करके यहां तक पहुंच गया है। अब इसका नसीब उसको कितना आगे ले जाता है, ये सब देखने लायक होगा। अब बिग बॉस में आपको क्या लगता है, क्या वह इसमें जीत जाएगा क्या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और सूरज के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।